गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, और इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हुए अभी तक हम लोगों ने टोटल 9 लेक्चर्स को कवर किया है, जहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी, प्लांट लेआउट एंड मटीरियल हैंडलिंग, वर्क स्टडी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मटीरियल परचेज एंड स्टोर मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड TQM मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को कवर कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले यहाँ पर्सनल मैनेजमेंट को समझना है, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे। इसके बाद हम लोग स्टाफिंग्स को देखेंगे, स्टाफिंग के साथ साथ इंट्रोडक्शन टू HR देखेंगे, HR प्लानिंग को देखेंगे और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग यही टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ये हमारा पार्ट वन है। और इसके बाद आपको एक और लेक्चर मिलेंगे पार्ट टू, जिसमें हम लोग बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में, पर्सनल मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। सो पर्सनल मैनेजमेंट डील्स विद मैनेजरियल फंक्शंस टू एस्टिमेट और ऑफ एस्टिमेटिंग एंड क्लासिफाइंग ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट फॉर मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू पीपल एट वर्क एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो पर्सनल मैनेजमेंट एक तरह का मैनेजरियल फंक्शन है, जहाँ पे ये एस्टिमेट किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और उन्हें क्लासीफाई किया जाता है उनके स्किल के अकॉर्डिंग, उनके स्किल, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को पूरा किया जा सके, उनके वर्क के अकॉर्डिंग और उनके रिलेशनशिप विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ जैसा रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में बात करें, जो बेसिकली जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, आगे हम लोग समझ जाएंगे किसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों बोल सकते हैं। तो अगर पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो इसमें बेसिकली ऐसी स्ट्रैटेजीज इंक्लूडेड होती है जो इस बात को इंश्योर करती है कि राइट नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हो, जितने नंबर ऑफ स्टाफ हैं वो प्रॉपर हो, ज़्यादा नहीं हो, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट हो, किसी भी टैलेंट की या किसी भी स्किल की एक ऑर्गेनाइजेशन को लिमिटेड ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर एक किसी एक्स वर्क को करने के लिए 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए और वाई वर्क को करने के लिए 15 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, और अगर हमने इस एक्स वर्क को करने के लिए जो स्किल चाहिए उतने सारे लोगों को हमने हायर किया है, 10 लोगों को हमने हायर किया है, यहाँ पे हमने 15 को हायर किया है, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट है वो ओके है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 8 पीपल को हायर कर लेते हैं और यहाँ पे हम 17 को हायर कर लेते हैं, तो ये क्या है, ये इम्बैलेंस हो जाता है। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में इंश्योर करते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले पर्सनल मैनेजमेंट में, और हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस इन जॉब को भी इंश्योर करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो जॉब परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर हो, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। एडविन बी फ्लिपो की बात करें तो इन्होंने पर्सनल मैनेजमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया था कि पर्सनल मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पर्सनल ऑफ द इंड दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव आर अकॉम्प्लिश्ड। तो इन्होंने कहा था कि पर्सनल मैनेजमेंट एक तरह की प्लानिंग है, एक तरह की ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, सेपरेशन ऑफ पर्सनल। मतलब कि ये उस तरह का पर्सनल मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस और सेपरेशन ऑफ पर्सनल उसको इंश्योर किया जा सके। और जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव जो है उसे अचीव किया जा सके। हम लोग बात करते हैं HRM के बारे में। तो HRM बेसिकली कंसिडर्स डैट पर्सनल या फिर एम्प्लॉय बेसिकली इट्स नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स। उन्होंने HRM इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि पर्सनल हैं या फिर एम्प्लॉय हैं, इसे ये ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग एन इंडस्ट्री, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी सीन डैट वी हैव 5 M's इन मैनेजमेंट, मेन, मटीरियल, मनी, मशीनरीज। सो यहाँ पे जो आप मेन पावर की बात करोगे, अगर आपके पास मेन पावर इन्वॉल्व नहीं है, मेन पावर आपके पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, राइट बैलेंस कंडीशन में अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी इंडस्ट्री अच्छे से रन नहीं कर सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन को रिसोर्स की तरह कंसिडर करने के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पर भी फोकस करती है, प्रोविज़न ऑफ हेल्थ को भी देखती है कि जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व है उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनकी हेल्थ का ख्याल रखती है, सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स को ध्यान में रखती है, इंश्योर्स बेटर ह्यूमन रिलेशंस इनसाइड द कंपनी, इनसाइड द प्लांट उसको भी इंश्योर करती है। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, देर आर 3 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। सो व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव?
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हम लोग ये इंश्योर करते हैं या हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव किया जा सके. दे शुड ऑल्सो बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड अंडरटेकिंग द वर्क इफिशेंटली. जो भी इम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रॉपर अंडरटेकिंग दी जाए ताकि वो वर्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकें. ये भी हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. द इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव ओनली विल बी अचीव्ड इफ एवरीबडी नोज देयर अटेनमेंट. एम्प्लॉय शुड बी मोटिवेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो किसी भी इंडस्ट्री की जो गोल है उसको तभी अचीव किया जा सकता है कि जब जो भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेटेड रहें और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें ताकि मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको अचीव किया जा सके. सो दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो मटीरियल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ ईच एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से मटीरियल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन टू ईच एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में उनको एक तरह का मटीरियल सेटिस्फैक्शन हो, उनमें एक मेंटल सेटिस्फैक्शन हो ताकि वो अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूशन करें. तो ये एक तरह का पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया. द वर्क प्लेस शुड बी नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपरली एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड. जो भी काम करने की जगह है वो प्रॉपरली नीट हो, क्लीन हो और प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि वर्क प्लेस जो है वो अच्छा हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें. जॉब सेटिस्फैक्शन विल इंक्लूड गुड रिम्यूनरेशन, जॉब सिक्योरिटी, एवेन्यूज फॉर प्रमोशन, फिनेंशियल एंड अदर इंसेंटिव फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. तो पर्सनल मैनेजमेंट का ये भी एक पार्ट है कि जो भी इम्प्लॉई हैं उन्हें गुड रिम्यूनरेट किया जाए, उन्हें अच्छी जॉब सिक्योरिटी दी जाए, उन्हें एवेन्यूज बेसिकली प्रमोशंस के लिए वो सेट किए जाएँ, फिनेंशियल एंड अदर इंसेंटिव जो है वो उस तरह का प्लानिंग हो कि हम अपने इम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंसेंटिव और फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें. सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रिजर्विंग एंड एडवांसिंग जनरल वेलफेयर टू द कम्युनिटी. कम्युनिटी में एक जनरल वेलफेयर जो सिस्टम है उसे डेवलप किया जा सके. हेल्प सोसाइटी बाई यूजिंग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड मिनिमाइजिंग देयर वेस्ट. तो हम लोग जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बेस्ट पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल हो और मिनिमाइज कर सके वेस्ट को, ये भी हमारी एक ऑब्जेक्टिव है. इसके बाद अगर हम लोग बात करें फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें तो उसके फंक्शंस की बात करें तो दो तरह के फंक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. पहला है मैनेजिंग फंक्शन एंड सेकंड इज ऑपरेटिंग फंक्शन. मैनेजिंग फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटिंग फंक्शन क्या होता है. किसी भी इंडस्ट्री को जब हम रन करते हैं तो उसे मैनेज करने के लिए जितने सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसे हम मैनेजिंग फंक्शन बोलते हैं. लेकिन किसी भी इंडस्ट्री को जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसे ऑपरेट करने के लिए जो बेसिकली हमारे पास जो भी फंक्शंस हमें करने होते हैं उसे हम ऑपरेटिव फंक्शन बोलते हैं. सो मैनेजिंग फंक्शन इज जस्ट टू मैनेज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिव फंक्शन टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. मैनेज करने का मतलब यह है कि काम चल रहा है और आप उस काम को चलते हुए वर्क को आप मैनेज कर रहे हो. ऑपरेटिव फंक्शन में यहाँ पे इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए, उसे ऑपरेशन में लाने के लिए किस किस फंक्शन की ज़रूरत होती है. सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें पर्सनल मैनेजमेंट के, तो पर्सनल मैनेजमेंट दोनों तरह के फंक्शंस पर वर्क करता है. मैनेजिंग फंक्शन पर भी वर्क करता है और ऑपरेटिव फंक्शन पर भी वर्क करता है. तो मैनेजिंग फंक्शन में हम लोग प्लानिंग करते हैं, इसके साथ हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ कंट्रोल करते हैं. अगर आपने इन सभी फंक्शंस के बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वाले लेक्चर में जा करके आप इसे पढ़ सकते हो. प्लेलिस्ट में जाओगे लेक्चर नंबर 9 ऑर्गेनाइजेशनल, जहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को डिस्कस किया है वहाँ पे हमने मैनेजमेंट के प्लानिंग पार्ट को स्टडी कर लिया है. तो आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हो. ऑपरेटिव फंक्शन की बात करें तो ऑपरेटिव फंक्शन में बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल, इसका मतलब कि इम्प्लॉय को प्रोक्योर करना यानी कि इम्प्लॉय को हायर करना, ये कहाँ का फंक्शन है, ये एक तरह का ऑपरेटिव फंक्शन है. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो भी इम्प्लॉय जिसे आपने हायर किया उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो एक तरह की ऑपरेटिव फंक्शन है. कॉम्पनसेशन ऑफ पर्सनल, जिसको भी आपने हायर किया, जो आपके इम्प्लॉय हैं उन्हें प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जा सके, उनके बीच में एक इंटीग्रेशन मेंटेन हो और साथ ही साथ उनका एक मेंटेनेंस हो. तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, ये सारे फंक्शंस ऑपरेटिव फंक्शन हैं. तो हमने अभी फंक्शंस के बारे में समझ लिया. अगर हम लोग स्टाफिंग के बारे में बात करें, सी स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर स्टाफिंग किसी कंपनी की अच्छी है तो उस कंपनी का ग्रोथ बहुत इजीली हो सकता है, और अगर स्टाफिंग अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ सकता है. कैसे, हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं. स्टाफिंग का मतलब क्या है. स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर स्पेसिफिक पोजीशन. जब भी हम लोग अपनी कंपनी में एलिजिबल कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में उसके किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए हायर करते हैं, उन्हें हायर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टाफिंग कहते हैं. इन मैनेजमेंट
द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज बाय इवेलुएटिंग देयर स्किल नॉलेज एंड देन ऑफरिंग देम स्पेसिफिक जॉब अकॉर्डिंगली। तो अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में स्टाफिंग का मतलब ये है कि किसी भी ऑपरेशन रिक्रूटिंग ऑपरेशन में इम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें इवेलुएट किया जाए उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग, और फिर उन्हें उनके स्पेसिफिक जॉब में अकॉर्डिंगली प्लेस कर दिया जाए। सो दिस इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ लोग पीपल अवेलेबल हैं उसमें से आपको किसी सबसे परफेक्ट वाले को चूज़ करना है ताकि वो आपके स्किल के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, उसके मोटिवेशन के लेवल पे वो आपके पर्टिकुलर गिवन जॉब रोल को सेटिस्फाई करे। सो ह्यूमन रिसोर्स इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल अदर रिसोर्सेज लाइक मनी, मटीरियल, मशीन एट्सेट्रा कैन बी यूटिलाइज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय पॉजिटिव एफर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसके पास मनी, मटीरियल, मशीन्स ये सब अवेलेबल है लेकिन उनके पास जो लोग हैं वो उन्हें प्रॉपरली इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। सो हमें एक तरह के पॉजिटिव एफर्ट की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव एफर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, तभी एक इंडस्ट्री ग्रो करती है। ये स्लाइड डबल हो गया। अगर हम लोग बात करें फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या क्या होती है स्टाफिंग की, सो द फर्स्ट फंक्शन इज़ टू ऑब्टेन क्वालिफाइड पर्सनल फॉर डिफरेंट जॉब्स पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि जो क्वालिफाइड एम्प्लॉय हैं किसी भी जॉब के लिए, जॉब पोजिशन के लिए, उसे हायर किया जा सके। इन स्टाफिंग द राइट पर्सन इज़ रिक्रूटेड फॉर द राइट जॉब, देयरफॉर इट लीड्स टू मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो किसी भी स्टाफिंग में अगर आप बात करें किसी भी पर्सन के रिक्रूटमेंट की, तो एक राइट पर्सन अगर रिक्रूट होता है तो और किसी राइट जॉब के लिए, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है एंड हाई परफॉर्मेंस है वो हमारी इंडस्ट्री की हमारी सामने आती है। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स। तो ये हमें हेल्प करता है ताकि हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके ह्यूमन रिसोर्स की। अब हम जो भी लोगों को, जो भी एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं वो ऑप्टिमम नंबर में हो, इफेक्टिव नंबर में हो। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द वर्कर इंक्रीज थ्रू द रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन। अगर किसी भी जॉब में, किसी भी काम में जो राइट वर्कर हैं अगर उनका रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ के जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी एक तरह की मोरल सेटिस्फैक्शन मिलती है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है और मोरल हाइक हमें देखने के लिए मिलता है। स्टाफिंग हेल्प्स टू इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो स्टाफिंग हमें इस बात के लिए भी हेल्प करता है कि हमारी जो यूटिलाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्स की वो बेहतर तरीके से हो सके। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट मैनेजर्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी और उसके ग्रोथ पे भी अफेक्ट करता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे वो फंक्शंस हैं जो बेसिकली स्टाफिंग से किए जाते हैं, स्टाफिंग से फुलफिल किए जाते हैं। हम लोग बात करें अपने एचआर के बारे में। जैसे कि अभी हमने देखा था सिलेबस में कि हमें एचआर को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू एचआर पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ना है। सो ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे देख सकते हो। द टोटल नॉलेज, स्किल, क्रिएटिव एबिलिटीज, टैलेंट, एल्टीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क फोर्स एज वेल एज वैल्यूज, एल्टीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप कंसिडर करो तो ऑर्गेनाइजेशन किसे ह्यूमन रिसोर्स मानेगी, किसे वो अपना रिसोर्स कंसिडर करेगी, जो स्किल्ड हो, जिसके पास नॉलेज अच्छी हो, जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ रखता हो, टैलेंट हो, एक एल्टीट्यूड हो और बिलीफ हो ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर। तो ये सारी क्वालिटीज़ जिसके अंदर हो उसे क्या है, उसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ह्यूमन रिसोर्स मानती है, उसे अपना एक रिसोर्स कंसिडर करती है। और इसके साथ साथ जो वर्क फोर्स हैं उनकी एक वैल्यूज़ हो, उनके पास एक एल्टीट्यूड हो और उस इंडिविजुअल के ऊपर भरोसा किया जा सके, सो उसे हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें एचआर प्लानिंग के बारे में, तो एचआर प्लानिंग यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में या करेंट टाइम में जो नंबर ऑफ मैन पावर, डिज़ायर्ड नंबर ऑफ मैन पावर है, उसे उसके डिज़ायर्ड पोजीशन में प्लेस किया जा सके, इस चीज़ की प्लानिंग जब की जाती है तो इसे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। ईडब्ल्यू वेटर ने कहा था कि अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फॉर इट्स करेंट मैन पावर पोजिशन टू द डिज़ायर्ड मैन पावर पोजिशन। कभी भी अगर कोई एक कंपनी अपने करेंट मैन पावर जो अवेलेबल हैं उस मैन पावर से डिज़ायर्ड मैन पावर का प्लानिंग करती है, आज अगर किसी कंपनी में 100 स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है
और आने वाले टाइम में उन्हें 150 की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्लानिंग है ना, प्री प्लानिंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, HR प्लानिंग बोलते हैं। थ्रू प्लानिंग मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू हैव राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग थिंग्स विच रिजल्ट इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल रिसीविंग मैक्सिमम लॉन्ग रन बेनिफिट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का ग्रोथ कब होता है, जब उस एम्प्लॉय की ज़रूरत हो उस ऑर्गेनाइजेशन को और उसके साथ साथ उसके पास उसकी स्किल्ड हो। तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो प्लानिंग में बेसिकली राइट नंबर मतलब जितने एम्प्लॉय की ज़रूरत हो, राइट पीपल यानी कि जिस तरह के एम्प्लॉय की ज़रूरत हो, और राइट प्लेस यानी कि जब जहाँ पर ज़रूरत हो और जिस टाइम पर ज़रूरत हो, इन सारे चीज़ को जब कंप्लीट किया जाता है तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं बेसिकली। और इस तरह के प्लानिंग से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट होता ही है, इसके साथ साथ जो एम्प्लॉय हैं या इंडिविजुअल हैं उन्हें भी बेनिफिट होता है। ये EW वेटर ने कहा था। अगर हम लोग लियोन सी मैगिसन के बारे में बात करें, लियोन सी मैगिसन ने कहा था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू परफॉर्मिंग द प्लानिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनल फंक्शन इन ऑर्डर टू हैव सफिशियंट सप्लाई ऑफ एडिक्वेटली डेवलप्ड एंड मोटिवेटेड पीपल टू परफॉर्म ड्यूटी एंड टास्क रिक्वायर्ड टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सेटिस्फाई द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। तो अगर हम लियोन के डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो ये इन्होंने कहा था कि एक तरह का इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहाँ पे हम लोग प्लानिंग करते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, जहाँ पे पर्सनल फंक्शंस जो हैं उसे कंप्लीट किया जाता है, ताकि सफिशियंट सप्लाई और एडिक्वेट डेवलपमेंट मोटिवेटेड पीपल का जो है उनका हो सके, ताकि वो ड्यूटी परफॉर्म कर सके, टास्क परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को पूरा किया जा सके, और इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरत को भी पूरा किया जा सके अलॉन्ग विद कंप्लीटिंग द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये लियोन सी मैगिसन ने डिफाइन किया था। अगर हम लोग बात करें कि एचआर प्लानिंग में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, यहाँ पे बेसिकली हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम लोग बेसिकली स्टेप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम समझने वाले हैं। सबसे पहला काम, अगर आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, कोई एक कंपनी है जो रिक्रूटमेंट करना चाहती है, ह्यूमन रिसोर्स को ऐड करना चाहती है अपनी कंपनी में, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होता है कि हमारी हायरिंग नीड्स क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, हम किस तरह के एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं। इसके बाद हमें ये फाइंड करना होता है कि जब हमारी कंपनीज में हमने फाइंड कर लिया कि किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाइंग द हायरिंग नीड्स बेसिकली इस बात पे भी डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, और ग्रोथ रेट किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की, करंट स्टेटस जो है एम्प्लॉय की वो कैसी है। तो इन सभी बेसिस पे बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि हमारी हायरिंग नीड्स क्या है। जब हमारी हायरिंग नीड्स हमें पता चल जाती है, तो हम लोग अपना जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि हमारे जो भी जॉब हैं, जो भी हम हायर करने वाले हैं जिस पोजिशन के लिए, तो उसके बारे में एक छोटा सा डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। तो इसमें हम सबसे पहले ये मेंशन करते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का डिस्क्रिप्शन हम देते हैं। इसके साथ साथ हम ये देते हैं कि कोर वैल्यूज़ क्या है, क्या क्या तरह की बेनिफिट दी जा रही है, किस पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है, उसका लोकेशन क्या है, वहाँ पे जॉब टाइटल क्या है, डिपार्टमेंट कौन सी है, इसके बाद हमारी जो इंडस्ट्री पेमेंट है वो कितनी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ मतलब ड्यूटी कितनी है, किस किस तरह की ड्यूटी है, डिमांड क्या है, क्वालिटी क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम कहाँ मेंशन करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में। जब भी आप कहीं अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हो। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब भी हम जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करते हैं ना, तो हमें पर्सनलाइज टेक्स्ट करने की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत होती है, राइट कीवर्ड लगाने की ज़रूरत होती है, ताकि जो भी हमारे उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर आइडिया मिल सके। इसके बाद बुलेट्स एंड ब्रेक ऑफ मोनोटोनी का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब पॉइंट वाइज हर चीज़ को लिखना चाहिए, और कीप द टोन कन्वर्सेशनल, जो भी उसमें राइटिंग से वो थोड़ी कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, प्रोवाइड डिटेल्ड व्हेन यू कैन, मतलब कि वहाँ पे डिटेल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा चंक टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मेटाफोर्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में जब हम कोई JD प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह का नहीं शो करना चाहिए कि हमें सिर्फ ग्रेट कैंडिडेट्स ही चाहिए, ताकि इससे क्या होता है कि जो वैल्यू है, जो हमारे JD हैं, उस JD के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो ये
हमें इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग बात करें टैलेंट सर्च के बारे में, कि ये टैलेंट सर्च हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड स्टेप है। टैलेंट सर्च में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो सोर्स है रिक्रूटमेंट का वो कैसा है, हम अपने जो इम्प्लॉय हैं उसके अंदर जो है किस तरह का टैलेंट सर्च कहाँ से ला रहे हैं, मतलब लोगों को कहाँ से हायर कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है या फिर जो है हम रिटायर्ड इम्प्लॉय को रख रहे हैं या फिर वैसे लोगों को रख रहे हैं जो बेसिकली प्रीवियस एप्लीकेंट हैं कि नहीं है। मतलब एक होता है ना कि आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आपने आज अप्लाई किया लेकिन आज आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया, फिर आप आने वाले टाइम पे बाद में फिर से अप्लाई कर रहे हो सेम पोजीशन के लिए, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम जो टैलेंट का सर्च कर रहे हैं वो उसका सोर्स क्या है, उसके बाद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हम चांस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे पार्ट कहाँ आ जाते हैं, टैलेंट सर्च में आ जाते हैं। अगर हम लोग स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात करें तो स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉय को जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आता है उसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितने एप्लीकेशंस को शॉर्ट लिस्ट करना है, कितने एप्लीकेशन को बाहर करना है, छांटना है। तो इसके लिए हम बहुत सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग इसे छांट सकते हैं कि मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन हमें चाहिए थी। इसके बाद हम जो भी हमारे पास रिज्यूम्स आए हैं उस रिज्यूम्स को हम उसके क्रेडेंशियल्स के हिसाब से मतलब जो है बाहर कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम उस रिज्यूम को जो भी लोग आए हैं उनके मिनिमम क्वालिफिकेशंस के साथ साथ उन्होंने कितनी बार इस पोजीशन के लिए जो है इंटरव्यू क्लियर किया है या कहीं कहीं पे उन्होंने इस तरह के फील्ड में काम किया है, ये सारे चीज़ों को और बेसिकली हमारे रिक्वायरमेंट हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो रिज्यूम फिट बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या करते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। शॉर्टलिस्ट के बाद इंटरव्यूइंग का प्रोसेस है। इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरव्यू के प्रोसेस में आप ये इंटरव्यू किसी भी मीडियम से कंडक्ट कर सकते हो, टेलीफोनिक हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, तो इंटरव्यू का प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है या फिर आप उसे ऑफलाइन बुला सकते हो कैंडिडेट को। इसके बाद इवैल्यूएशन एंड ऑफर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जब इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है तो इंटरव्यू में अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग किसी भी जो इंटरव्यू में जो कैंडिडेट हैं उनको मार्क्स दिया जाता है, उस मार्क्स के बेसिस पर ये देखा जाता है कि कौन से इंटरव्यू को सबसे ज़्यादा कौन से कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा इवैल्यूएशन में वो सबसे आगे हैं और इसी के अकॉर्डिंग फिर उन्हें ऑफर दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट का। एंड एट लास्ट जब एम्प्लॉय हायर हो जाते हैं तो इंट्रोडक्शन उनका जो एक इंट्रोडक्शन है और उनका एक इंडक्शन है वो कराया जाता है, फ्लोर हिट कराया जाता है ताकि वो एम्प्लॉय फील्ड में जब अपनी कंपनी में ज्वाइन कर लिए तो उन्हें वो कंफर्टेबल फील हो सके। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है एचआर हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेंशन कर सकते हो, ऊपर में रिक्रूटमेंट स्टेप्स मेंशन कर सकते हो। तो आज के क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है, हम लोगों ने अपने ये पोर्शन को कवर कर लिया है जहाँ पे हम लोगों ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देख लिया, एचआर प्लानिंग को देख लिया, इंट्रोडक्शन टू एचआर को देख लिया और पर्सनल मैनेजमेंट को देख लिया। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बाकी टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक लेक्चर आप बने हुए हो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक देखा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो में किसी भी तरह के डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इस जो चैप्टर को भी पढ़ाया गया है, जो टॉपिक को हमने कवर किया, इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया।